ब्लॉक ऑफ एमराल्ड्स, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ब्लॉक ऑफ डायमंड्स। हाय एंड हेलो गाइस, आई एम शार्लोट एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं अपनी सर्वाइवल प्यारी सी वर्ल्ड। गाइस बहुत ज्यादा दिन हो गए मैंने सर्वाइवल वर्ल्ड खेले और बहुत मैंने बंद कर दिया था बीच में किसी कारण की वजह से, तो मैं को मन किया आज खेलने का तो मैंने खेला। और मैं आपको बता दूं तो अब से सर्वाइवल वर्ल्ड की वीडियो आएगी। ओके okay. कभी कभी आएगी, ज्यादा नहीं आएगी लेकिन आएगी। नॉर्मली वीडियो आते वैसे इसकी भी वीडियोस आएंगी, तो लाइक कर दो इसी बात पे। और मैंने बहुत दिन से नहीं खेला था, तो अभी मेरे एग्जाम्स भी चल रहे इसलिए वीडियो कम आ रही है। और ये लोग सुबह सुबह आती मेरे को खत्म करने लगे। ये जैसे मैंने छोड़ा था वैसे ही है मेरे आर्मर सारे, ये दोनों ब्लॉक्स हमें मिले थे। अब तो मेरे को बहुत सारा पता चल गया माइनक्राफ्ट के बारे में, हमारे वैसे ही सारे सामान है। वेट गाइस, मेरे डायमंड का एक ब्लॉक हुआ करता था यहाँ पे, आपको याद है? गाइस बाय द वे मेरी स्किन मैंने अभी चेंज की, मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें कर्स और बाइंडिंग लगा हुआ है ना, ये देखो, ये स्किन मैंने कस्टम स्किन बनाया है, मैंने अपने आप बनाया। अगर आपको ये स्किन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है गाइस। वो छोड़ो भाई, यहाँ मेरा डायमंड का, आप मेरी पिछले वीडियो जाके देखो, यहाँ पे एक डायमंड का ब्लॉक मैंने रखा था भाई। वेट, कहीं चेस्ट में तो नहीं भाई, अभी रात भी हो गई है यार। डायमंड का ब्लॉक मेरा चेस्ट में किसी के नहीं है यहाँ पे भाई, कहाँ गया? वेट भाई, मैंने विलेजर हाउस में नहीं रखा है अपना टाउन में। भाई जल्दी से सो यार, भाई मेरा गया कहाँ आखिर? वो समारा टाउन हॉल की जिस तरफ था। वेट, वहां क्या है? उधर कुछ तो है, फार्म। मैंने कोई फार्म नहीं बनाया था गाइस, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैंने उस दिन के बाद से गेम अपनी खेली नहीं थी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? माइन 1492 माइनस 943। गाइस ये क्या हो सकता है? ये किसी का नंबर है, हमें फोन करना है इस पे। कुछ भी नहीं, एक्चुअली है क्या आखिर ये? बाय द वे मैंने ये फार्म बनाया नहीं है, मैंने ये अपना वर्ल्ड चालू नहीं किया है मैंने उतने दिन से। और यहाँ पे एक मस्त सा फार्म, कोई बात नहीं, हमें फ्री का खाना मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये क्या चीज है, ये क्या है आखिर? इसको बाद में देखते हैं, पहले तो मैं थोड़ा सा खाना लेता हूँ अपनी चेस्ट में से। भाई डायमंड का ब्लॉक किधर गया? ओके गाइस, तो मैं अपने विलेजर टाउन हॉल से भी आ चुका हूँ, लेकिन मेरे को वहां पे भी डायमंड का ब्लॉक मेरा नहीं मिला, तो आखिर गया कहाँ? वो कोऑर्डिनेट्स जो थे, या तो हाँ हो सकता है वो कोऑर्डिनेट्स ही थे। तो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग ना उस कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं, वो बेटर रहेगा, हम उस कोऑर्डिनेट्स पे जाके देखते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, तो मैं सच्ची बताऊंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कि मैंने जब वर्ल्ड मैंने आपको खेलना बंद कर दिया था, तो मैंने बीच में इसको एक बार चालू किया था, और मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैंने कुछ बनाया है या फिर कुछ किया हो, मैंने सिर्फ उसमें ना मॉड पैक मतलब डाउनलोड किए थे। मतलब मॉड आप जानते हो, जैसे यूट्यूब पर आपने वीडियो देखे होंगे, माइनक्राफ्ट बर्ड चैलेंज जो रहते हैं, माइनक्राफ्ट बर्ड ट्री गिव्स अस ओपी आइटम्स, वैसे मॉड्स जो वो लोग तो बनाते हैं अपने मॉड्स, लेकिन जो गूगल पे अवेलेबल रहते हैं ऑलरेडी, मैंने वो डाउनलोड किया था ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो मैंने वो सब डाउनलोड किया था और फिर मैंने वो सबको डिलीट कर दिया था। मैंने उसमें ज्यादा नहीं, एक पार्कोर था, एक कुछ ऐसे ही था, मतलब एक नॉर्मल था ओपी आइटम वाला ही, मैंने कोई आइटम नहीं रखे, मैंने सबको रिफ्रेश कर दिया अपने पूरे वर्ल्ड को। मैंने जो भी कुछ किए थे इतने दिनों, मैंने सब कुछ रिफ्रेश कर दिया था, तो जितने भी चीज टूटे फूटे मैंने बनाए वो सब चले गए थे, जो भी मैंने मतलब मॉड के थे। और मैंने एक मॉड ऐसा डाउनलोड किया था कि मैं बहुत जगह थे यूट्यूब पे, हीरो ब्राइन का मॉड, अब वो मॉड मैंने डाउनलोड किया था, उसके बाद मैंने उस मॉड को डिलीट कर दिया था, उसी दिन डिलीट कर दिया था। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं ट्रू बता रहा हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, हीरो ब्राइन का जो मॉड था और एक पार्कोर वाला मॉड, पार्कोर वाला तो इजीली डिलीट हो गया था, लेकिन उसका एक डेटा फाइल था वो रह गया था, वो डिलीट नहीं हो रहा था, उसमें लिख रहा था वर्ल्ड विल गेट डिलीटेड, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों फालतू के पंगे लेने, छोड़ दो। और एक हीरो ब्रांड का मॉड था, वो तो वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, उसमें पता नहीं वो डिलीट ही नहीं हो रहा था, तो उसका भी एक फाइल दो फाइल रह गए थे उसमें, तो मैंने बोला छोड़ दो भाई, ऐसे ही खेलेंगे क्या हो जाएगा, कुछ तो नहीं होगा, वर्ल्ड थोड़ी चला जाएगा।
अगर उस दिन की बात, मैंने पहली बार आज ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना वर्ल्ड वापस से चालू किया है, और मैंने इतने दिनों में कुछ नहीं किया है। इन्वेंटरी मेरी पूरी खाली है, 10 XP मेरी है, बस उतनी ही है। और मैंने तो उस दिन के बाद कुछ नहीं किया। मेरे पेट्स वैसे ही हैं, मेरा चेस्ट वैसे, मेरे विलेजर्स भी वैसे हैं, वो देखो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो आखिर हुआ क्या है ये? पहले मैं खाना ले लेता हूँ यहाँ से। गाइस हम ना उस कोऑर्डिनेट्स पे जाके एक बार देखते हैं वहां आखिर है क्या। हो सकता है वहां पे मैं कुछ क्लू मिल जाए इस बारे में कि वो आखिर है क्या। मैं 2 गोल्डन एप्पल ले लेता हूँ, और हम ना एक पिकैक्स तो नहीं, खाना खाना चाहिए मेरे को, खाना चाहिए मेरे को, खाना चाहिए थोड़ा सा। एक काम करता हूँ, मैं अपने विलेजर से ट्रेड करके आता हूँ थोड़े से खाने, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैं ना वो लोग से ट्रेड करके आ चुका हूँ। मैंने फार्मर से गोल्डन कैरेट्स ले लिए, मेरे को कुछ नया दिख रहा था तो बस मैंने उठा लिए, सस्ते भी हैं थोड़े बहुत, तो मैंने गोल्डन कैरेट्स ही ले लिए। और तो मैं कुछ नहीं ले रहा, अपने साथ स्वॉर्ड की जरूरत नहीं। एक बार हम वहाँ जाके देख के आते हैं आखिर हाँ है क्या। एक ये कोऑर्डिनेट्स अभी हमारे कितने हैं गाइस, वो थोड़ा ज्यादा दूर है, तो मैं एक काम करता हूँ मैं वहीं जाता हूँ और रास्ते में आप लोगों से मिलता हूँ। और ये फार्म से खाना फ्री का मिलेगा, लेकिन अभी होगा नहीं है, इस कोऑर्डिनेट्स पे हम जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ मैं वहाँ आधे रास्ते पहुँचता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके तो गाइस मैं ना आधे रास्ते आ चुका हूँ, और मेरे को अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं दिखा है, अभी बस थोड़ा सा ही आगे और है। वेट गाइस, सोचता हूँ मैं डायमंड ब्लॉक मिल जाए हमारा। भाई ये सामने क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है सामने, मेरे को नहीं पता ये सामने क्या बना हुआ है। भाई ऑब्सीडियन का पूरा, भाई क्या है भाई, मेरे को लिटरली कुछ नहीं पता। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ, क्या ग्रामर लिखी है भाई, टू द वर्ल्ड ऑफ पार्कोर लिखना चाहिए था, तो वर्ल्ड पार्कोर। वाह, यू गेट योर डायमंड आफ्टर यू फिनिश इट, यानी कि मेरा डायमंड ब्लॉक इधर ही है। यार 2 बटन किस लिए लगाए हैं यार, क्या लॉजिक है इस बात का। ओके तो हम 1 बटन दबाते हैं, इतने टॉर्चेस भरे भाई, कौन बंदा है ये भाई। ये वेट वेट ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ सेट स्पॉन पॉइंट हियर। यहाँ बेड रखा हुआ है तो स्पॉन पॉइंट हमें यहाँ सेट करना है, स्पॉन पॉइंट सेट हो गया। भाई यहाँ पूरा एक पार्कोर बना हुआ है भाई, नाइस। उससे पहले मैं एक चीज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो ना नीचे वहां पे एक दूसरा जो बटन था ना, उसको हमें दबाना था। और अब गाइस आप देख सकते हो यहाँ लिख रहा है गेम रोल कीप इन्वेंटरी ट्रू, मतलब अगर हम मरते भी हैं तो हमारी सामान और हम जो भी है वो सब हमारे पास ही रहेंगे। भाई पार्कोर मेरे को करना चाहिए क्या, देखने से तो बड़ा लल्लू सा पार्कोर है, चलो करते हैं। ओ भाई भाई वेट, ज्यादा कॉन्फिडेंस में भाई इसको कैसे करूंगा मैं। ओके दिमाग वाला पार्कोर है भाई भाई। भाई पानी के अंदर कूदना था भाई, पूरा लावा बना हुआ है। अरे नहीं 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 भाई भाई, अब प्लीज 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 एक गोल्डन एप्पल खा लेते हैं, अभी हम फायरस मिल जाएगा। गाइस मैंने वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा आवाज है। कम करो कम करो, बस इतना काफी रहेगा। भाई यहाँ पूरा लावा बना, मैं मरा भाई, मैं मरा भाई, प्लीज नहीं मरना मेरे को। गाइस ये बहुत ज्यादा हार्ड पार्कर है, पार्कर मरा 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 भाई भाई, प्लीज नहीं मरना प्लीज भाई, यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड है ये भाई, लिटरली ये कैसे हुआ भाई, ये गेम क्यों सेव हो रहा है भाई। मैं पागल हूँ, मैं मर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मर गया नहीं नहीं यार, फिर से करना पड़ेगा। ओह मैं जितना इजी समझ रहा था उतना इजी है तो नहीं, मेरे 2 गोल्डन एप्पल भी वेस्ट हो गए भाई। लॉल भाई भाई लॉल भाई, तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे लिए हार्ड है कि ये इजी है भाई। वाह लो हो गया लेवल पार, आ गया लो बहुत गया। लेकिन गाइस हम चीटिंग नहीं कर सकते हैं इसमें, ऐसे कुछ रूल तो है नहीं कि यहाँ कूद नहीं सकते वहां कूद नहीं सकते, लेकिन चीटिंग तो नहीं करूंगा मैं।
हम पूरा ईमानदारी से पार्कोर कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि पार्कोर कंप्लीट करने के बाद कुछ कोड वगैरह एक्टिवेट हो भाई, उससे ही हमें मिले। हो सकता है कहीं प्रेशर प्लेट लगा हो जिससे हमें कुछ खुल जाए। भाई रात होने लगी, भाई क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या पार्कोर कर रहा हूँ भाई। शिफ्ट दबा के रखो नहीं तो मैं जाऊंगा भाई। जितना इजी लग रहा है ना उतना इजी है नहीं ये। ओके हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्पॉन भाई। सस्ता भाई भाई, यहाँ बारिश होने लगी भाई। उठो भाई सो। सस्ता काम किया है और सब मैंने पार्कोर में कमांड ब्लॉक लगे रहते भाई। कौन है सस्ता काम किया हुआ है। ओके अभी यहाँ से लैडर से मैं ऊपर जानी है। ये ज्यादा बड़ा पार्कोर नहीं है भाई। भाई 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 नहीं 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 नहीं। अब मैं यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकता, मरना ही पड़ेगा यार प्लीज। ओके हम यहीं पर स्पॉन हुए हैं, दैट्स गुड। स्पॉन पॉइंट जहाँ सेट करूँगा भाई। क्या है बना है ये, मैं डायरेक्ट इसी ब्लॉक पे चलते हैं। उधर जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं मेरे को भाई। स्पाइरल बना हुआ है। वेट वो क्या है भाई, स्केलेटन हॉर्स उसके ऊपर, स्केलेटन भी इंचांटेड चीजों के साथ भाई। बिजली गिरी उसके, मैंने देखा तो था बिजली गिरी भाई। डोंट टेल ये कॉबवेब एनर्जी है क्या। हमें उधर जाना है शायद। अच्छा उधर से कूदना है ना। बच भाई बच गया, मैं प्रो बंदा हूँ। यहाँ क्या है, ओ भाई ये तो एरो है। मेरे को तो कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है एरो दे दो भाई बस। भाई मैं एक दिन खड़े रहता हूँ भाई। नहीं नहीं, नहीं, नहीं बहुत मजा आता है भाई। स्टैक्स ऑफ एरो भरे हुए हैं। बाद में लेके जाएंगे, बाद में लेके जाएंगे। फिलहाल तो भाई उस ऑब्सीडियन वाले रूम के अंदर कुछ तो खास है भाई। ऑब्सीडियन से पूरा रूम बना हुआ है। लो अब जाहिर सी बात है मरना ही पड़ेगा भाई। इतना किया मैंने, नहीं यार फिर से पूरा करना पड़ेगा भाई। ऊपर भी एक स्पॉन देना चाहिए था भाई। भाई व्हाट, क्या हुआ मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ। मैं मरना नहीं, मरना नहीं, प्लीज 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 नहीं मरूंगा भाई, प्लीज नहीं मरना। नहीं 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 मैं डायरेक्ट वहां मिलता हूँ आप लोगों से। ओके गाइस तो मैं वापस आ चुका हूँ। मेरे पूरे इन्वेंट्री आरओ से भर गई थी, मैं वहां डांस कर रहा था भाई। क्यों यहाँ लैडर्स लगी हुई क्या भाई। भाई भाई प्रो प्रो भाई ऊपर को स्पॉन पर नहीं ना सेट करना था भाई। मैं डायरेक्ट इधर आ गया, यानी कि मैं गलत आ गया ना। मैं भाई मेरे को चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मैं चाहता नहीं कि मैं चीटिंग करके जीतूं ये पार लेवल भाई। फिर से पार करना पड़ेगा यार। नहीं भाई इसने इरिटेट कर दिया। मैं डायरेक्ट ना भाई ऐसे जैसे जैसे करके 3-4-10 बार गिर के मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ वहां ऊपर भाई। प्लीज प्लीज पीछे पीछे, अब गिरा ना मैं तो भाई गेम बंद, सर्वाइवल बंद भाई। अच्छा यहाँ स्पॉन सेम वाह टाइप। कौन आलसी बंदा था कोई भाई, यहाँ से कोई कूद पाएगा जो कूद गया। अभी कहाँ जाना है, ओके नीचे कूदना है, नीचे जंप करना है हेबेट पे। ओके हेबेट पे डैमेज नहीं मिलता, मेरे को नहीं पता था। अभी फिर से वही, क्या सस्ता सा पार्कर बना हुआ है। नहीं नहीं सस्ता नहीं, सॉरी सॉरी सस्ता नहीं, सस्ता नहीं, सॉरी सॉरी सस्ता नहीं है, महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है भाई। भाई भाई बहुत हो गया, बस बस भाई बस बस। ये ग्लासेस हैं भाई, मुझे पता नहीं चला कि ग्लास है भाई। मरना नहीं भाई, मेरे को वापस वहाँ ऊपर से जंप नहीं मारना है। मेरा पैक ऑलरेडी टूट चुका है। ओके हम बच गए इतने हार्ट पे। पहले पूरी हेल्थ फुल करो भाई। अच्छा मैं गोल्डन कैरेट्स और गोल्डन एप्पल ले आया था अपने साथ। गोल्डन क्या एप्पल तो खैर वेस्ट हो गया भाई। यहाँ ग्लास लगाया मतलब दिख ही नहीं रहा है कुछ भाई। नहीं 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 अच्छा खाना है मेरे पास अच्छा खासा।
तो मैं अभी तक चल गया रहता भाई। प्रॉट 4 तक है हमारे पास भाई, पूरा आर्मर टूटने को आया है भाई, पूरा आर्मर टूटने को आया है भाई। गोल्ड के आर्मर और गोल्ड के सामान ऐसे ही रहते हैं भाई, 2 सेकंड में टूट जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा ही हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं इजी है, लेकिन यही हो रहा है, गिर जा रहे हैं ना इस जगह। मैं मना नहीं आर्मर पर सब जाने ही वाला है भाई। नहीं, खाना खा, खाना खा, खाना खा भाई, प्लीज नहीं मरना भाई, बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ मैं भाई, बस वो लैडर्स चढ़ने हैं और हम वहीं पहुंच जाएंगे। उधर क्या है? अच्छा हम उधर से आए थे ना, ओके भाई आर्मर जाने ही वाला है बस। भाई 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 इस बार नहीं प्लीज भाई, लैग जो हो रहा है ना अलग अलग ही लेवल का हो रहा है भाई 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 नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं क्यों भाई लावा में गिर रहा, मैं मर गया यार भाई, पूरा वापस करना पड़ेगा यार, मैं वापस से पूरा करता हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका हूँ गेम के, पार्कोर के। भाई ये बंदा मेरे को मिले मैं उसको बताता हूँ भाई, जब से मैं इधर आया हूँ पता नहीं कब से बारिश हो रही है, कभी थंडरस्टॉर्म आ जा रही है, कभी कुछ आ जा रहा है भाई। गेट सामने है, दुनिया भर का चीजें मैंने किए हैं, मेरा पैंट मेरा भाई बहुत नुकसान हो गया भाई, प्रॉट 4 का आर्मर चला गया भाई। यहाँ से गिरा ना तो यहाँ से ऊपर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। फाइनली ऑब्सीडियन के रूम में पहुंचे भाई हम लोग। क्या है यहाँ पे भाई? लैंटर्न देख लो, टॉर्चेस लैंटर्न भर भर। यप इधर भी एक गेट है। नो मतलब पीछे भी कुछ है क्या? ये क्या है पता नहीं, पीछे तो कुछ नहीं भाई, लैंटर्न यहाँ भी लगा रखे हैं भाई। टोटली ऑब्सीडियन का रूम है भाई। यप या नोप, क्या हमें डोर चूज करना है कि हम किसी एक डोर में जा सकते हैं? ओके तो यहाँ यप लिखा है, इसके अंदर कुछ है नहीं दिख रहा, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर थोड़ी रोशनी है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। हम यप में चल नहीं, हम नोप में चलते हैं भाई, डर लग रहा है। नोप ओके हम आ गए भाई। अंदर चेस्ट, एक रिवॉर्ड एच एच और एक स्माइली फेस भी है। एच क्या होगा भाई? यहाँ चेस्ट है, ये ट्रैप चेस्ट था क्या? ट्रैप चेस्ट के आगे ना रेड होता है, नहीं नॉर्मल चेस्ट। नो यप में क्या था? यप यानी कि ट्रोल था। मैं सही रूम में गया हूँ, नोप में। ये क्या है? रिवॉर्ड। ओ भाई गाइस, ब्लॉक ऑफ एमराल्ड्स, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ब्लॉक ऑफ डायमंड्स। ओ भाई मेरे घर से क्या चोरी हुआ था? एक ब्लॉक ऑफ डायमंड, ब्लॉक ना मेरा पूरा आर्मर गया, नुकसान हुआ मेरा। लेकिन ये अलग ही लेवल भाई, इतने ब्लॉक ऑफ भाई साहब, भाई अमीरी, भाई अमीरी आ गई, सब लूट लो भाई। अबे गोल्ड को भी एक स्टैक देना चाहिए था भाई। भाई भागो यहाँ से, घर निकलो डायरेक्ट भाई, मैं चला अपने घर। लेकिन साइड से भागो यार, बहुत सस्ता काम किया था। थैंक यू जिसने भी मेरे को दिया गाइस। अब गाइस बाय द वे ना, मेरे को भी एक आइडिया आया, मतलब मैंने जब पार्कोर करा था ना तो मेरे को एक आइडिया आया कि ये जो चीज है इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है, 10 मिनट लगेगा। ऑक्सीजन को एफिशिएंसी 5 से और बीकन अगर हम बना लेते हैं हेस्ट डाल के तो ठीक रहेगा, मतलब हम जल्दी जल्दी तोड़ पाएंगे। या तो कुछ देखता हूँ मैं, अगर हम इस पूरे एरिया को फ्लैट करके लावा को बुझा के यहाँ पे अपना एक कासल बनाए या फिर कोई अपना घर बनाए। गाइस देखो विलेज उस तरफ है और वो ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, और विलेज से थोड़ा दूर रहने पे बेटर है क्योंकि वहां पे, और विलेजर्स को भी हम यहाँ ले आएंगे आयरन, मतलब उसके थ्रू रेल की वजह से। तो गाइस हम लोग ना इधर क्या करते हैं, अपना कासल बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस वीडियो, अभी हमें इसको पूरा प्लेन करना होगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे से ज्यादा हो पाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ हो सकता है मैं अपने एक दो फ्रेंड की भी मतलब मदद ले लूँ,
वो तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा फ्लैट करने का, क्योंकि वो एक जरिए से टाइम पास वीडियो ही होगा, तो मैं वो ना करके मैं अपने आप ही कर लूंगा, या तो उन लोगों को भी बुला लूंगा। भाई सभी अब बहुत अमीर हो चुके हैं हम लोग, अब मैं इतना ट्रेड करूंगा वो लोग से कि सोचो ना मत, मतलब सोच नहीं सकते। इतने एमरेट्स मेरे पास, इतने डायमंड ब्लॉक है वो भी, और मेरे पास अभी पूरे इतने इतने ब्लॉक्स है, और ये पार्कोर थोड़ा में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लावा बुझा दूंगा, और यहाँ पे हम कासल बना सकते क्योंकि अच्छा खासा एक फ्लैट एरिया है। क्योंकि मैं जब भाई भाई प्लीज भाई, अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं, मैं फिर से लेवल मेरे को करना पड़ेगा पार। भाई वेट, मैं नहीं कर रहा, इधर से डायरेक्ट इधर जंप मारो, इधर से लैडर्स पे चलो बाहर। भाई अभी मैं घर चलता हूँ, और मैं आप मेरे को कमेंट में बता देना कि हमको यहाँ क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ कासल बनाना चाहिए या फिर कोई अपना मॉडर्न हाउस वगैरह, बड़ा सा मेंशन विला जैसा कुछ, क्योंकि मैं कुछ बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, और वो मैं डर्ट के घर में, और मैं विलेजर्स भी मेरे इतने हो गए ना, वहाँ लैग होता है, तो मैं दो तीन विलेज, दो विलेजर्स ले आऊंगा, उनसे तो बहुत विलेजर्स हो जाएंगे, दो विलेजर्स ले आऊंगा और फिर उसके बाद तो बहुत हो जाएंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। आर्मर अभी हमें नेदरराइट के लिए जाना है, इतने सामान है हमारे पास, ये नेदरराइट हमें आराम से मिल जाएगा ट्रेड करके, एफिशिएंसी वगैरह वो लोग से। तो आई थिंक सो हमें वीडियो यहीं खत्म करनी चाहिए गाइस, इतने सारे चीजें मेरे को मिले हैं ना गाइस, या तो वो मॉड की वजह से हो सकता है, या तो मैं सबको फेंक दूंगा क्योंकि मॉड है, या फिर मैं सबको रख लूंगा। आप मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बता देना, और तो अभी वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। ओके, तो चलो आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे पड़ा हो जाके लाइक कर देना, चैनल पे भी नया सब्सक्राइब कर देना, और सर्वाइवल के वीडियो आएगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, उसी बात पे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। भाई भागो यहाँ से, ओके बाय बाय।